अलीगढ़ के थाना खैर इलाके के गांव मानपुर काल में दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश के चलते विवाद हो गया। इस दौरान फायरिंग भी हुई। एक पक्ष के बताए अनुसार इसके परिवार के दो युवकों को गोली लगी है, जिन्हें उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं आरोप लगाया है कि पुलिस ने इन्हीं के परिवार को कुछ सदस्यों को थाने पर बिठा लिया है। बताया अतुल की हालत सीरियस है। घायल युवक के परिजन के बताया अनुसार इनका नाम राजपाल है, जो कि कानपुर में बीजेपी से खुद को बूथ अध्यक्ष बता रहे हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट रही है। एक राजपाल को अजीत है, एक रविंद्र है, एक अजीत वार्ड है, पांच जने वहाँ के संग सिक्योरिटी गार्ड और वहाँ के अजीत वार्ड के डैनी भैया गोली मारी है अजीत वार्ड ने। वहाँ के संग वहाँ के गार्ड है रमेश है, एक चरण सिंह को, एक रणवीर है, एक राजपाल को अजीत है और एक रविंदर है बदन सिंह को। जी क्या मसला है? ये मसला जी हमारे गांव में झगड़ा सा हुआ था तो हमारे बच्चे के नाती के गोली लगी है, दो बच्चों ने गोली मारी थी, एक राज्यपाल का लड़का है विनोद, एक चरण सिंह का है रमेश, 315 गोली मारी पार निकल गई है। उसको लेकर हम थाने आए थे, थाने में उसको रेफर कर दिया मेडिकल के लिए और हमारे बच्चे हैं जो साथ आए थे पुलिस वालों ने यहाँ पर बैठा लिए थाने में, हमारे बच्चे बंदी बना लिए हैं जो हमारे बच्चे की गोली लगी है और दूसरे पक्ष को पुलिस लेके घूम रही है। जिसको गोली लगी है उसका नाम क्या है और कौन से गांव का मसला है? अतुल मानपुर कला। नाम क्या है बच्चे का जिसको गोली लगी है? अतुल प्रणव विजयपाल। मेरा नाम सहदेव सिंह है, भाजपा बूथ अध्यक्ष मानपुर। भैया मेरा नाम दीपक है, मैं बारसोली का रहने वाला हूँ। यहाँ पर भैया मैं अपने भैया को देखने आया था, गोली लगी थी उसके, तो हमें भी इन्होंने अंदर बैठा रखा है, उसके गोली लगी है। गोली किसने मारी है और अजीत गोड़ का मामला है? अजीत गोड़। तुम नाम बताओ? राधा राजपाल। तो क्या कोई पुरानी रंजिश चल रही थी? पुराना झगड़ा है भैया, ये तो जमीन का हम गोली लग गई भैया। कौन से गांव के रहने वाले? पारसोली के भैया, हम तो देखने आए, तमाम बंद कर लिया। आपका कौन लगता है जिसके गोली लगी है? वो जी हमारे मामा का लड़का लगा है, हम देखने आए कि हम भी बंद कर लिए भैया। क्या नाम है आपका? दीपक नाम है भैया मेरे को। चाचा बंद अब आप कहाँ खड़े हुए हैं? तुम चाचा खैर थाने में खड़े हुए हैं हम। चाचा बंद है सर हमारे, हम देखने आए दुकान बढ़ा के आए, हम देखने आए तो हम बंद कर लिए हैं।